हेलो दोस्तों, टेक्न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरी जो टेक्न्यूज़ की ऑडियो थी वो बराबर नहीं थी। कुछ में लेफ्ट में आवाज़ आ रही थी, कुछ में राइट में आ रही थी, और मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो मैं सिर्फ लेफ्ट वाले कान में ईयरफोन लगा के एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे लेफ्ट में तो आ रही थी, तो मुझे लगा सही होगा। प्रॉब्लम इस वजह से हुई थी, ये जो मेरा एक्सटेंशन है आप देखेंगे ये मार्क आ गया था, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो खराब हो गया वैसे भी। इसके पहले एक और था, ये मैंने नया लिया था, और उसके बाद ये तीसरा वाला आप देखेंगे, इससे मैं अभी ये टेक्न्यूज़ दे रहा हूँ। अब दुआ करता हूँ कि ये बराबर चले, अगर ये प्रॉब्लम देगा तो मुझे पता नहीं, मुझे फिर DSLR ही बदली करना पड़ेगा। और उसके पहले आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, जल्दी आ जाओ। बहुत सारी चीज़ें आई अनबॉक्सिंग के लिए, और दो बड़े बड़े बॉक्स आने वाले हैं, जो आने वाले समय में आप लोग को उसकी अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। तो पहली खबर की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे बता रहे थे कि नोकिया का X बताया जा रहा है कि यहाँ पे 16 मई को जो वो ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, और ये जो लॉन्च होगा ये चाइना में होने वाला है, जहाँ पे प्रीवियसली काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि नोकिया का X6 आएगा, लेकिन X10, अब उसको जो भी बोलो, लेकिन मैं तो X ही बोलूंगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोकिया का X ही आएगा, ऐसा X6 करके कुछ नहीं होगा, जो कि सेम आपको iPhone 10 जैसा फील आएगा। इसमें आपको नॉच मिलेगा, जिसकी होर्डिंग्स यहाँ पे जो वो देखी जा रही है, जिसके अंदर आपको नॉच दिख रहा है, लाइव पिक्चर्स लीक होकर आते हैं, पीछे में ग्लास बॉडी, सामने की तरफ नॉच, डुअल वर्टिकल कैमरा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि दो अलग अलग वेरिएंट आ सकते हैं, एक आपको हीलियो का P60 वाला प्रोसेसर होगा, और दूसरा आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 636 वाला प्रोसेसर होगा। और 16 मई को ही यहाँ पे ये खुलासा हो जाएगा कि इस बार हमारे लिए HMD नोकिया X या 10 के रूप में जो वो क्या लेके आता है, और इसकी प्राइसिंग यहाँ पे क्या होती है, ये तो 16 मई को ही खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले 2 तारीख को ही हमें यहाँ पे नोकिया के N सीरीज का एक नया स्मार्टफोन जो वो देखने को मिलेगा, और ये अभी कुछ दिन ही बाकी है, ट्यूजडे के आसपास आ जाएगा। मैं आप लोग को जरूर से इस पर एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से खबर आ रही है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट काफी मेहनत कर रहा है अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने के लिए, और उन्होंने यहाँ पे कुछ पेटेंट्स जो वो फाइल की थी, जिसके अंदर से एक और नया पेटेंट जो वो सामने आया है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि काफी सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन बन रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही है, और ZTE ऐसी कंपनी थी जिसने हमें जो एक डुअल डिस्प्ले वाला फोन दिया था, जो कि एक फोल्डेबल फोन था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि वो चाहता है कि वो एक ऐसा फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाए जहाँ पे जब आप उसको फोल्ड करते हो और जब उसको ओपन करते हो तो बीच जो हिंजेस होते ना, वो नहीं चाहते कि वो हिंजेस यहाँ पे जो एक्सपोज हो, एकदम से प्योर आपको फुल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो वो होना चाहिए। अब वो जो एक फोल्डेबल फोन बनाने वाले, इसके अंदर आप लोग को टैबलेट मोड मिलेगा, इसके अंदर आपको लैपटॉप मोड मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, और एक फोल्डेबल मोड मिलेगा। ये अलग अलग तरीके का मोड बना के हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा फोन बना रहे जिसके ऊपर वो काफी सालों से काम कर रहे हैं, और सैमसंग वगैरह काफी सारी कंपनीज में यहाँ पे जो वो काम कर रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत जल्दी, शायद से 2019 के स्टार्ट के अंदर ही हमें एक ऐसा फोन देखने को मिलेगा जो वर्किंग कंडीशन में होगा, और शायद से जिसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम जो वो देखने को नहीं मिलेगी। तो कूलपैड और लॉ इको की पार्टनरशिप अगर आपको नहीं पता है तो पहले हुई थी, जहां पे उन्होंने अपना एक नया स्मार्टफोन लाया था कूल वन करके। अब यहां पे उन्होंने काफी टाइम बाद फिर से पार्टनरशिप करके अपना एक नया स्मार्टफोन लेके आ गया है, कूलपैड कूल 2, जो कि कूल 1 का सक्सेसर है। और इस बार इस फोन के अंदर आप लोग को एक फुल व्यू की डिस्प्ले मिलती है 5.7 इंच की, और एक वाटरप्रूफ बॉडी के साथ में आया। अब ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि ये वाटर रेजिस्टर है कि वाटरप्रूफ है, लेकिन आपको एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलती है जो कि वाटर रेजिस्टर मेरे हिसाब से जो होने वाला है। आपको 13+0.3 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है, रियर के अंदर 8 का आपको सेल्फी मिलता है, 3200 mAh की बैटरी मिलती है, 4GB RAM, 64GB की स्टोरेज, और यहां पे आप लोगों को MediaTek का MT6750 वाला प्रोसेसर मिलता है। मेरे हिसाब से अगर बजट में इसकी प्राइस रखते ना 10,000 के नीचे, तो अच्छी बात है कि वाटर रेजिस्टेंस वाला आपको फोन मिलता है। और प्राइसिंग यहां पे अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और हमें नहीं पता कि ये फोन इंडिया में कितना जल्दी आएगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करिए, देख लेते कि ये वाला फोन कितने जल्दी इसकी प्राइसिंग जो वो अनाउंस होती है। अब बात करते हैं यहां पे OnePlus 6 की। जी हां, यहां पे काफी सारे लीक और रूमर्स ऑलरेडी आ चुके हैं OnePlus से रिगार्डिंग, और अभी मैं आपको ज्यादा उस पर कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता चल गई। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि रिसेंटली यहां पे एक पिक्चर जो वो लीक की जा रही थी OnePlus 6 से रिगार्डिंग, जहां पे आप लोगों को सामने की तरफ एक फोन दिख रहा है जो कि लाइव पिक्चर बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो आपको फोन दिख रहा है उसके नीचे के आपको बिल्कुल भी बेजल जो वो देखने को नहीं मिल रहा है, iPhone 10 टाइप जैसे आपको यहां पे कुछ नीचे H2H डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पिक्चर है शायद से फेक होगा, और उसको शायद से फोटोशॉप जो वो लोगों ने किया होगा, क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि OnePlus 6 कुछ ऐसे डिस्प्ले के साथ में शायद से नहीं आएगा, नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा तो बेजल देखने को मिलेगा। अब इसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके की पिक्चर जो लीक हुई थी, शायद से यहाँ पे जो वो कुछ हाइप बनाने के लिए भी ऐसी पिक्चर जो वो लीक की जा सकती है। तो देख लेते, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये वाली पिक्चर फेक है या रियल है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बात करते हैं यहाँ पे OnePlus किलर स्मार्टफोन की।
आप थोड़े से शॉक्ड हो गए, मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे OnePlus का किलर स्मार्टफोन ये कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि Flipkart यहाँ पे कल रात से एक ऐसा पोस्टर लगा के रखा है जहाँ पे OnePlus प्लस OnePlus वन करके उसने कुछ 10 का टोटल कर दिया और ये क्लेम कर रहा है कि ये OnePlus का किलर होगा, जबकि OnePlus यहाँ पे फ्लैगशिप किलर का टैगलाइन लेके घूमता है, क्योंकि वो जो प्राइस में जो फीचर्स देता है वो दूसरी फ्लैगशिप फोन समय जब वो नहीं देते हैं। अब यहाँ पे OnePlus किलर स्मार्टफोन की बात करें, जो 10 नंबर यहाँ पे सामने आया, ये हिंट दे रहा है कि Honor का 10 यहाँ पे इंडिया के अंदर जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो यहाँ पे चाइना में रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको किरिन का 970 वाला प्रोसेसर था, डुअल रियर फेसिंग कैमरा था 16+24 का, 24 का आपको सेल्फी था, और यहाँ पे आप लोग को 5.84 इंच की स्क्रीन जो वो एक LCD की डिस्प्ले मिली थी जो कि फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन था, लेकिन नॉच के साथ में आपको मिला था। डिजाइन काफी प्रीमियम थी और ये वाला स्मार्टफोन इसके अंदर आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिलता है, 6GB रैम 64GB की स्टोरेज होगी जो 27,000 रुपए के आसपास प्राइस रखी गई थी, और यहाँ पे 6 और एक 128GB होगा जो 31,000 रुपए की प्राइस रखी गई थी। अगर ऐसे प्राइस में इंडिया में ये लॉन्च होता ना तो मेरे हिसाब से OnePlus को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है। OnePlus 6 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, OnePlus के दूसरे फोन्स की बात हो रही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन कितना जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे MediaTek ने एक अनाउंसमेंट कर दिया और बताया कि वो यहाँ पे अपने एक नए चिप के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग को 5G का सपोर्ट मिलेगा, और वो चिप जो होगा वो 7nm टेक्नोलॉजी पे जो वो बनाया जाएगा। यहाँ पे इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं, बल्कि सैमसंग भी अपने Exynos 9820 वाला चिप ला रहा है, वो भी 5G होगा, और यहाँ पे Qualcomm भी Snapdragon 855 ला रहा है, उसके अंदर भी आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा और वो भी 7nm टेक्नोलॉजी पे बनाएगा। और रिसेंटली यहाँ पे MediaTek ने जो प्रोसेसर लॉन्च किया था P60, वो आपको यहाँ पे 12nm पे मिलता है, जिसके अंदर आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिलता है। तो MediaTek काफी अच्छा काम कर रहा है, P60 एक अच्छा प्रोसेसर उन्होंने इस बार जो वो लेके आया, जो काफी अच्छा यहाँ पे जो वो साबित किया जा रहा है। तो Paytm ने इंडिया के अंदर अपना एक नया कार्ड जो वो लॉन्च कर दिया है, जो है Paytm टैप कार्ड, और ये वाला इतना ज्यादा यूजफुल आपको होने वाला है फ्यूचर के अंदर, जिसके जरिए आप यहाँ पे ऑफलाइन में पेमेंट वगैरह भी जो वो कर सकते हैं। जी हाँ, Flipkart ने कुछ ऐसी सर्विस हम सभी लोगों के लिए लेके आया है, जहां पे अगर आप कोई ऐसे पॉइंट ऑफ सेल वाले स्टोर में जाते हैं जहां पे Paytm एक्सेप्टेड ईयर लिख के आता है, वहां पे आप जाके इस कार्ड के जरिए NFC के जरिए आप जो वो पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको NFC का फीचर मिलेगा, जो सामने वाले मर्चेंट के पास भी इस तरीके का फीचर होगा, फिर उसके बाद ऑफलाइन में आप डायरेक्टली यहां पे जो वो पेमेंट वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इसके अंदर आप लोग को अपने Paytm से जो वो पैसे इसमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो कि QR कोड के जरिए होगा, जब इस पे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे फिर आप इसको कहीं पे लेके जाके ऑफलाइन वगैरह में पेमेंट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए कार्ड बनाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली कभी हम जाते हैं हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो ये ऑन द गो अर्जेंटली आप इसके जरिए जो वो पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है, और देखते हैं कि दूसरी कंपनी हमारे लिए अगर ऐसी सर्विस लेके आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। Xiaomi ने यहाँ पे चाइना के अंदर अपना एक नया कीबोर्ड जो वो लॉन्च कर दिया है, Xiaomi का मैकेनिकल यूमी कीबोर्ड प्रो, और ये एक साइलेंट एडिशन वाला कीबोर्ड है, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 6,000 रुपए के आसपास है उन्होंने जो वो चाइना में लॉन्च कर दिया है। अब साइलेंट एडिशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप इसमें कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे तो टक 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 आपको आवाज नहीं आएगी, और ये साइलेंटली जो वो काम करेगा, और भी आपको बहुत सारे फीचर्स इस कीबोर्ड में मिलते हैं, लेकिन 6,000 रुपए ज्यादा हो जाता ना, क्योंकि मेरे पास भी मैकेनिकल कीबोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसकी प्राइसिंग इतनी महंगी नहीं है, चीप से आपको मिलता है। तो देख लेते कि ये वाला कीबोर्ड वहां पे लॉन्च हुआ इंडिया में आता है कि नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि शायद से Xiaomi इसको इंडिया में भी जो वो लेके आ जाए। तो एयरटेल ने यहाँ पे अपना एक नया प्रीपेड प्लान हम सभी लोगों के लिए लेके आया, जिसके लिए आप लोग को 219 रुपए देने पड़ेंगे, और इसके अंदर आप लोग को 1.4GB की डेटा दिन की मिलती है, 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड कॉल्स, लोकल STD, 100 SMS दिन के मिलते हैं, साथ में आपको अनलिमिटेड हेलो ट्यून्स भी मिलती है। कैच के बारे में मुझे नहीं पता, अगर आपको रिचार्ज करना है एयरटेल का सिम कार्ड आप यूज करते हैं, अगर इंपॉर्टेंट है तो आप जाके रिचार्ज कर लीजिए, क्या पता फिर भी यहाँ पे 1.4GB के आसपास आपको कुछ मिल रहा है तो वह शायद से आपके लिए यूजफुल हो जाए, लेकिन अनलिमिटेड हेलो ट्यून्स इसमें क्या कैच है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी, अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।